नमस्ते, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा। हमारे साथ डॉक्टर जगबीर राठी जी हैं। आपने कविता सुनाते हुए बड़े मंचों पर सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनको देखा होगा, लेकिन आज इनकी एक थोड़ी सी भूमिका चेंज है क्योंकि ये पॉलिटिकल तौर तरीके से भी बड़ी नज़र रखते हैं और जहाँ की हम बात करने जा रहे हैं जींद की, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका जन्मस्थली वहीं से है। तो आज उनसे बात करते हैं और सफ़ेदों, क्योंकि बड़ी नज़दीक सीटें हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, अलग हरियाणा का थैंक यू। सफ़ेदों की बात कर लेते हैं। सफ़ेदों में भी सुभाष गांगुली को जो सिटिंग MLA कांग्रेस के थे उनको दिया गया। दादा गौतम एक प्रयोग के तौर पर बड़ा मतलब करेक्टर जबरदस्त हैं पॉलिटिक्स में, खबरें बनवाते रहते हैं हमेशा। JJP में रहे तो नाक में दम रखा। और जसवीर देसवाल खासतौर पर, हम XML रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, सिंगारी भी वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, जो BJP के बागी हैं। जसवीर देसवाल कांग्रेस से चाहते थे, तो अब क्या लग रहा है कि सफ़ेदों को आप किस तरीके से? सीधा इक्वेशन है सफ़ेदों का, वहाँ है 55,000 के आसपास जो जाट और जो सिख किसान सिख हैं, खेतीयर बोलते मतलब वो वोट हैं, और 80,000 वोट हैं वहाँ BC के, जिसके दम पे भाजपा गेम खेल रही है, राइट। ब्राह्मणों के वोट भी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले ब्राह्मण ही जिता ले जाएंगे, राइट। अब वो जो 80,000 वोट हैं उनमें से मान लिया 60,000 पोल होते हैं, ठीक है, वो जो उसमें से कौन कितना बड़ा हिस्सा क्लेम करता है, हार जीत इस पर लग दी। सुभाष देसवाल कम्फर्ट है। देखो ये बात तय है कि किसान आंदोलन के कारण किसान वर्ग तो BJP से नाराज है, इस पर कहीं उसे कोई सा भी हल्का होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि वो कभी टूट के BJP की तरफ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। बचेंद्र सिंह आर्य जी हैं तो उनके जो गुजर समाज से आते हैं वो वहाँ, उनके दो चार गांव हैं, वो भी OBC वोट के सारे हैं। राम कुमार गौतम जी बाहरी कैंडिडेट हैं, हाँ, एक ये भी और है जितने कि जितने बाहरी बाहर से आए ना, वो कभी जीते नहीं, नहीं बनते नहीं, वो यूँ भी ना बने, नहीं बने। कारण ये है कि एक तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है आदमी, या बुजुर्ग हो गया, अगर आपको लगता है कि आपका ऐसे कह देते हैं संतुलन ठीक नहीं है तो यू शुड क्विट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। मजाक मत बनाओ आप, मैंने वोट दोगे तो भाई तारा फल फूलेगा, नहीं तो बीज मरेगा तारा, ये कौन सी बात, दिस इज नॉनसेंस। ये बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस है। और अपने वोटर्स के प्रति मतलब डरा किस बात से डरा रहे हो आप? एक ऐसे आप जो कास्ट स्टेटस से आते हैं जिसको सब दादा कह के बोलते हैं, इट मीन्स कि आपके मुँह से आशीर्वाद ही निकले, राइट। आप ऐसी बातें कर रहे हो मंच पे। वो वर्तमान में एक मैंने वीडियो देखी थी, नायब सैनी को कह रहे हैं अरे खड़ा हो जाए, एक बार शक्ल दिखा दे, क्या मतलब? नहीं, एक देखो कुछ भी है, पार्टियाँ अपनी जगह हैं, बट ही स्टिल एक्टिंग एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, राइट। तो बुजुर्ग हो ठीक है, बुजुर्ग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुजुर्ग होने का उसकी लिबर्टी लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट ए सोशल रिलेशन, दिस इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पोलिटिकल रिलेशन, राइट। आप कह रहे हैं कि आप भाई खड़ा हो गया, अरे खड़ा हो जाए नायब सैनी, दिस इज क्वाइट नॉनसेंस। हो सकता है मैं BJP की किसी बात से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं इस बात से टोटली रिएक्ट करता हूँ कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुजुर्ग हो गया, ठीक है आपकी इज्जत है, बट यू कांट, यू शुड ब्लेस हिम विद फाइन वर्ड्स, ऐसे नहीं। आप बड़े हो गए तो इसका थोड़ी लिबर्टी लोगे आप, ब्राह्मण हैं आप, आपके मुख से आशीर्वाद निकलना चाहिए, आप क्यों कह रहे हो बीज मरेगा, ऐसे नहीं। तो ये बातें आपको, उनको क्या लगता है कि ऐसा बोल के मैं वोट ले लूँगा? नहीं देंगे वोट। जसवीर देसवाल को कैसे देखते हैं कि वहाँ पे? मैं एक बात बता रहा हूँ, जो जो इलेक्शन नज़दीक आएगा, ये जो निर्दलीय प्रभाव वाले लोग हैं इनको लोग ये कह के छोड़ देंगे वोट काट। दीपेंद्र हुडा गए हुए थे कल, हाँ, वहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। वो कह रहे थे ट्रिपल इंजन कैसे, नौला और दो उदाहरण दिए, नौ एक ऋण की टिक्की के साथ दो फ्री हैं। ऋण की टिक्की तो बताया सुभाष गांगुली को, हाँ, और सांसद सोनीपत को एक फ्री की टिक्की और दूसरा दीपेंद्र को खुद ने टिक्की, हाँ, और तीनों को ट्रिपल इंजन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसी बातों से फर्क पड़ता है। मैं देखो वोट काटू की भी सफेदों का ना एक बड़ा प्यारा बाइफर्केशन है, सफेदो ब्लॉक पीलीखेड़ा ब्लॉक, जो सुभाष है वो पीलीखेड़ा ब्लॉक से आते हैं, तो वहाँ तो कोई चक्कर है नहीं।
सफीदों ब्लॉक में पिछली बार भी वो जीत के आए थे, और अब की बार जब एक वेव चल रही है लोगों ने परिवर्तन का, देखो साफ दिखता आप तो घूमते, मैं हरियाणा में भी घूमा हूँ कहीं, जब भिवानी में सीपीआई का एक कैंडिडेट है वो सर्वाइव कर सकता है, आज उसकी पोजीशन बहुत बहुत अच्छी है कामरेड ओम प्रकाश की, तो इस वेव के चलते 15-20 हज़ार ना फ्लोटिंग वोट्स होते हैं वो अपने देख कर उनको ना गणित मौसम देखते हैं राजनीतिक मौसम के घुस जाते हैं, तो सुभाष देसवाल कंफर्टेबल है ये विल विन। तो उसके बारे में तो दीपेंद्र भी ये कह रहे थे इनसे शरीफ आदमी कोई नहीं, मतलब शराफत का भी पूरा वहाँ पे, मतलब ये शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और काम की जड़ी नहीं बढ़िया है वो, मैं तो कॉलेज टाइम से जानता हूँ, वो एक सीधी सी मानसिकता का, उसमें कोई ज़्यादा से श्रूडनेस नहीं है जो पॉलिटिक्स में चाहिए, वो ठीक है मतलब काम करना आदमी। अच्छा इसका फ़र्क पड़ेगा जैसे सांसद बने वहाँ से पहली बार जींद से बने गंगोली से ही सतपाला ब्रह्मचारी, हालांकि सोनीपत लोकसभा के सारे सांसद लगभग सोनीपत जिले से बनते हैं, पहली बार ये प्रयोग किया गया कांग्रेस, उसका फ़र्क पड़ेगा आप इस चुनाव में आप देखते हैं? देखो मैं हमारे लोकतंत्र तांत्रिक जो सिस्टम है ना तंत्र है, इसका दुर्भाग्य कह ले कुछ कह ले, जब आदमी वोट गिर जाए ना बूथ के गेट से लेकर पोलिंग मशीन तक तब भी 4 बार उसके ख्याल बदलते हैं। अच्छा भाई कैंडिडेट मेरा गांव के कितना नज़दीक है, ये मेरा गोद का है तो कौन सा गोद का है, और जाती है तो कौन सा गोद से तुम्हारा लाग गया है कि नहीं, भाईचारा है कि नहीं, सीधी पहचान है कि नहीं। हाँ सीधी पहचान, तो ये दुखद पहलू है हमारी डेमोक्रेसी का, लेकिन फिर भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये मैनेज कर लेते हैं और इमोशंस को क्रिएट करते हैं लोग, और इमोशन क्रिएट करके मुझे सफीदों में तो कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है मुझे, जींद में हालांकि कांग्रेस थोड़ी सी खतरे में है, बाकी राजनीति में चमत्कार होने में कोई देर नहीं लगती, पता नहीं पेटी में से क्या लिखा है। हाँ लेकिन ये कि सफीदों कन्फर्म है सुभाष देसवाल कंफर्टेबल पोजीशन। तो रोजगार की बात नहीं करें, 10 साल हालांकि बीजेपी की सरकार हो गई, कल भी IMT का जिक्र किया दीपेंद्र हुड्डा ने कि यहाँ पे इस तरह के जॉब के लिए जरूरत की, वो उनकी सोच ही नहीं है ना बीजेपी की, मैं सब उनको तो थाली में धरका मिल गया काम, और थाली में धरका मिल गया उन्हें फिर किसी तक खाने नहीं दिया, अपने ढक के बैठ गए, बड़ा वो तमाशा भी करते हैं खर्ची पर्ची वाला ये, हालांकि मैं तो डायरेक्ट राजनीति से रिलेटेड नहीं हूँ और मैं तो किसी को अपमानित करने के बयान से भी बचता हूँ, लेकिन अगर कोई ये दावा करे कि इस सरकार में पैसे नहीं चले हैं, मेरे पास अनेकों प्रूफ हैं, इस बात है मेरे पास पैसे गए हैं, लेते हैं लोग किसने बुंडे लागे पीछे, और उनके तो दफ्तर में पाए गए अटैची में धरे, ये तो बार बार आरोप लगा। लेकिन 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 आप ऐसा मत कहो, समाज का एक वर्ग को साध के इन्होंने हो सकता है कुछ, अच्छा नौकरियाँ भी कौन सी दी है इन्होंने, मीनिंग ऑफ ग्रुप डी, आप हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उसमें भी ग्रुप डी PSG बच्चे हैं उसमें, पोर्टल आपने कर दिया यो कौशल विकास रोजगार निगम व्हाटएवर इट इज, ठीक है इस पोर्टल में ला गए, इसमें ना कोई इंटरव्यू है आरक्षण की कुछ नहीं है, वो तो लाठी लांग में बल्क में भाई 10 आदमी ला दिए 15 ला दिए, ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना। तो आपको याद होगा ना गेस्ट टीचर लगे थे तब भी हमें थोड़ा ताज्जुब हुआ था, भाई किए ला दिए, हमारे देश में नौकरियां जो है ना हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, आपको पता हरियाणा के बालक ये डोंकी में जाओ कितनी तकलीफ सहते हैं, और वहाँ अपराधी बन के शेल्टर लेते हैं रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी सारी उम्र अपने गांव में देश में आ नहीं सकते लीगली, उनको भारत में आने के लिए भी फिर डोंकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप रोजगार क्यों नहीं देते, आपने अमेरे ला दिए हमारे विश्वविद्यालय में लाए, बोले उड़े जाओ इजराइल, अच्छा आए लोग उनसे पूछे हमने उड़े तो लड़ाई माच रही है, बोला भाई साहब भूखे मरना तो अच्छा दौड़े मर लेंगे, तो इस तरह से मनोबल तोड़ा गया है, और ये बात इनको से देगी इनके बाद, हालांकि कांग्रेस का पास भी चैलेंज होगा, आपके उन्होंने भी किए एक्सपेक्टेशंस क्या है कि भाई 10 साल देख लिया, अब वो क्या क्या उम्मीद है उनकी कांग्रेस पार्टी से, भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, आज के दिन नौकरी देना नौकरियां क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक साजिश का हिस्सा तो हो सकता है भाई युवाओं को नौकरी ना दे के उनको भटकाओ इधर उधर मुद्दे बदल के उनको अपने पीछे लगाओ, बट कोई भी देश युवा के शांत दिमाग से ही चलता है,
सुरक्षित जो सिक्योरिटी है ना युवा की, वही देश चलाती है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो बीजेपी है, बीजेपी की खिलाफत ज़्यादा है या फिर हवा कांग्रेस की ज़्यादा, उसकी खिलाफत की वोट मिलेंगी या फिर हवा ही इतनी होगी कांग्रेस की वो इस तरह से। 2014 में ना मैं कभी सम्मेलनों में जाया करता, 2014 की बात है जब सारे देश में मोदी जी हो रही थी, तो कभी सम्मेलनों में मैंने देखा कोई कभी मोदी जी कविता सुना तो लोग अपने आप खड़े हुए ताली बजाया करते। तो दैट इज वेव। कारण क्या था कि पिछली सरकार ने की लापरवाही से और इन्होंने बड़े तरीके से उसकी जो इमेज को डाउन किया, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। करोड़ों रुपये का, लाखों का 2G घोटाला, भाई 2G घोटाला था कि भाई तन ने मन ने एक ठेका दे दिया तेरते 10,000 रुपये महीना और तने नियम के अनुसार ठेका ले लिया, ठीक है, और तीसरा आदमी ने खड़ा रुका मार दे रहा, ये तो 20,000 का ठेका है, तने 10,000 क्यों दे दिया, 10,000 का नुकसान हो गया, घोटाला हो गया, कोई पकड़ा गया क्या उसमें 2G घोटाला, कोई नहीं, सारे बरी है। तो कांग्रेस ने अपनी इमेज बचाने में लापरवाही की। कांग्रेस का मानना यह था कि 5 साल चले जाओगे तो बोर्ड आओगे फिर, लेकिन मैं इस डेमोक्रेटिक प्रेफरेंसेस जो है ना, डेमोक्रेटिक रिगार्ड्स जो संस्थाओं के, वो इस पार्टी ने नहीं किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे को तो अभी खबर लगी चुनाव के चलते चलते भी ईडी की रेड चल रही है, ईडी से सोनीपत वाले तो बरी हो गया है। हाँ, वो निकले आया, एक और दौरे पहुंच गए, तो ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। तो विरोध ज्यादा है बीजेपी का, अंडरकरंट आप देखें। देखो सुनो भाई, ये किसी भी बेस पे आप बाइफर्केशन कर दिया सोसाइटी का, चलो भाई तो आपने अपने पॉलिटिकल फायदे खातिर कर दिया, भाई जो थारे गेल उन्हें तो फायदा दे दो, उनते भी नहीं देते भाई, कैसे देते हैं बताओ, आप नौकरियां दिए किसको दिए। चलो हरियाणा में इन्होंने कास्ट बाइफर्केशन कर दिया, 35-1 कर दिया, चलो एक ना करो 35 आगे तक काम करते हो भाई, आपने कहा 35-1 हरियाणा और हम 35 के गेला, इन्होंने वीडियो एक बड़ा नेता प्रोजेक्ट भी कराया जिसने बड़ी नफरत फैलाई, तो भाई 10 साल हो लिए, 35 भी क्यों अन्न धक्के खाते हैं, ये 35 साल तो काम करते हो, तो हमने भाई हमने एक नहीं चाहिए, चलो छोड़ दो 35 ना, उनका भी नहीं करा आपने, इतनी छोटी छोटी चीजें लागू कर दी आपने, प्रॉपर्टी आईडी बना दी, फैमिली आईडी बना दी, सर आप ट्रेंड तो करो ना अपने सिस्टम को, आप ट्रेंड तो करो। मैं रोहतक में ना एक बहुत पुराने पार्षद हैं और इन कामों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बुलाया मेरी सास सोए 91 साल की, उसकी पेंशन बंद होगी, मैं पेंशन बंद क्यों, बुलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाई दी, उसकी पेंशन दिखा दी साल की 3.5 लाख रुपए, आप दिखाई, वो कहते चुंगी कटान नहीं गई 91 साल की बुढ़िया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाकर उसकी इनकम दिखाकर उसकी जो बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन वो काट दी। ये हालात तो काफी जगह है, क्यों भाई आपके पास सिस्टम है नहीं, आप इसको 5G बनाने चले हो, आप सिस्टम तो क्रिएट कर लो ना पहले, अमरीका बाद में बना लियो, ये बना देंगे अमरीका। हाँ भाई, आप जिस देश में रह रहे हैं आपके पास साधन ही नहीं है, ट्रेंड स्टाफ आपके पास नहीं है, राइट, और कुछ जो ट्रेंड लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं वो ठीक काम करते नहीं है, रिश्वत क्या आपके यहाँ आपकी सरकार में रिश्वत नहीं खाई, खूब खाई है, तरीके से खाई है जमा, पोर्टलों का इस्तेमाल करके खाई और सुन लो फिर। तो अब तो जनता के बीच में है, उनके हाथ में है, अंगूठा दबेगा बस, ये इस देश में ना, मैं तो अखबार में भी लिखता रहता हूँ, हम लोग तो ना मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जैसे डिस्कवरी चैनल देखते हो ना आप, उसमें ना जो भैंसे होती है जंगली भैंसे वो माइग्रेट करती है साल में ना एक बार, वो पानी के कारण या घास के कारण, और उनको एक बहुत बड़ी जो नदी है वहाँ पार करना पड़ा, हाँ अमेजन नदी है कौन सी, उस नदी में भयानक मगरमच्छ, और मगरमच्छ है तो पर लगाने शेर भी बैठे हैं, तो भाई साहब वो एक यों का झुंड क्रॉस करता है, एक आधा दिन मगरमच्छ खा गया, एक आधा पांतला दब गया, उधर गया तो एक आधा शेर पकड़ ले गया, तो कभी मुझे लगता है हम जनता तो ना जो भैंसों का माइग्रेशन है हमारी स्थिति वो हो जाती है, हमें पता ही नहीं है, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है ना सोच है, वह हाँक दे डांगना डर चलो भाई,
कभी सुरेंद्र शर्मा एक बात कहते हैं मंच से, मेरे को बात उनकी अच्छी लगती है कि हम लोगों ने अच्छे आदमियों को वोट देना बंद कर दिया। अगर हम अच्छे आदमियों को वोट देना तो पार्टी अच्छे आदमियों को टिकट दें तो हम भी चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि जब अति हो जाती है ना किसी, ये सब पॉलिटिकल पार्टियों को पता है राइट। जब आप ईडी का इस्तेमाल करें, जब मेरा बिहार रहता है तो ईडी भेज दो, उन सबको पता है कौन सी कास्ट क्या है और कौन सी मारी है कौन सी तारी है राइट। और मजे की बात है इनको मनाने भी आते हैं, पहले मनाने आएंगे, मनाने आओगे, इनका तरीका है मना लेंगे, जो भी मनाना होगा इन्हें मना लेंगे, धमका के मनाओ चाहे प्यार तो मनाओ, बस मनाना पड़ेगा। तो कोई ऑडियो भी वायरल हो रही है भाई वोट मांगा दे दे यार वोट दे दे, तो चुनाव के टाइम तो पॉलिटिशियन की हालत बड़ी दयनीय है, बाद में हमारी है। हाँ फिर वो पूरे हिसाब ले लेते हैं, पूरे हिसाब ले लेते हैं। डॉक्टर जगवीर राठी जिन्होंने बताया कि सफेदों का ये सब, हाँ और सफेदों में कांग्रेस कंफर्टेबल है आज के दिन, आपको आज के दिन कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी तो है हाँ 5 दिन बचे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन यस नमस्कार, धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू।